हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट की एम्बिग्युटी के संदर्भ में और क्या उस एम्बिग्युटी को दूर करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है, साक्ष्य दिया जा सकता है या नहीं, उसको समझेंगे। ये हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 46 है। आप इसको समझने, एक छोटा सा एग्जांपल आप ही के ऊपर लेता हूं मैं। जैसे आप कोई भी जुडिशरी का एग्जाम, कोई भी पीसीएसजे का, एपीओ का, कोई भी लॉ का एग्जाम देने जाते हैं, जब आप मेंस का एग्जाम देते हैं तो वहां पर जो डॉक्यूमेंट में अर्थात मेंस के क्वेश्चन में जो आप लैंग्वेज लिखते हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और यदि आपने आंसर में लैंग्वेज इस प्रकार की लिखी है जो अच्छी है, क्वेश्चन के अनुरूप है, सही सही लागू हो रही है, एग्जामिनर पढ़ पा रहा है, तो बहुत अच्छी बात। और यदि आपने लैंग्वेज ऐसे लिख दी जो एग्जामिनर छोड़ो आप भी नहीं पढ़ पा रहे हो, या फिर वो क्वेश्चन से मैच नहीं कर रही है, अप्लाई नहीं कर रही है, या फिर कुछ लिखा कुछ नहीं लिखा, कुछ छोड़ दिया, तो इस प्रकार की भाषा आपके उस दस्तावेज को, आंसर को खराब कर देगी और आपके मार्क्स निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएंगे और शायद आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मेंस में अर्थात क्वेश्चन में अर्थात दस्तावेज में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाषा आपकी क्लियर होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, सही सही अप्लाई होनी चाहिए, जिससे कि आप सही मार्क्स अचीव कर सके। तो इसी प्रकार को हम यहां पर भी समझने का प्रयास करते हैं कि जब कोई डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट जो है वो हो सकता है उसमें कोई त्रुटि हो सकता है नहीं त्रुटि हो, और उसमें त्रुटि है तो त्रुटि भी हो सकता है देखने से नजर आ जाए, हो सकता है त्रुटि तो है पर देखने से नजर नहीं आए। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ऐसी त्रुटि को एविडेंस देके क्या दूर किया जा सकता है? यही हमारा टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं। ये सेक्शन हमारा जो है सेक्शन 93 से लेकर 98 तक है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी दस्तावेज दो प्रकार का हो सकता है। नंबर एक, या तो उसमें त्रुटि होगी, एम्बिगस होगा, या फिर उसमें कोई त्रुटि नहीं होगा, नॉन एम्बिगस होगा। और यदि त्रुटि होगी तो त्रुटि भी दो प्रकार की होती है, हो सकती है, यानी कि एम्बिग्युटी भी दो प्रकार की हो सकती है। नंबर एक, पेटेंट एम्बिग्युटी, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष संदिग्धता या प्रत्यक्ष त्रुटि, और दूसरी है लेटेंट एम्बिग्युटी यानी कि अप्रत्यक्ष संदिग्धता, लेटेंट एम्बिग्युटी। तो आपका यहां पर, हाँ, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में भी याद करें, क्योंकि कभी कभार आपके जो टर्म है वो इंग्लिश में आ सकती, हिंदी में भी आ सकती है, इंग्लिश में भी आ सकती है, कि पेटेंट एम्बिग्युटी लेटेंट एम्बिग्युटी से आप क्या समझते हैं। तो यहां पर आपका मेन रूप से जो पेटेंट एम्बिग्युटी हुआ या लेटेंट एम्बिग्युटी होगा उसको हम समझेंगे और यह भी समझेंगे क्या उसमें एविडेंस दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया या तो दस्तावेज एम्बिगस होगा या फिर नॉन एम्बिगस होगा। तो जो आपका नॉन एम्बिगस वाला दस्तावेज है वो सेक्शन 94 है और एम्बिगस वाले दस्तावेज 93 से लेकर 98 तक है, समझते हैं। तो पहली हमने समझी थी पेटेंट एम्बिग्युटी। तो पेटेंट एम्बिग्युटी यानी कि प्रत्यक्ष संदिग्धता ऐसी संदिग्धता होती है जो दस्तावेज को देखने से ही प्रत्यक्ष हो जाती है, दिख जाती है। जैसे पेटेंट यानी कि प्रत्यक्ष, यानी कि आपको देखते ही नजर आ गई, यानी कि कुछ ऐसी त्रुटि है, ऐसी संदिग्धता है, जैसे ही आपने उस डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को देखा तो वो आपके समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है। तो यहां पर इस प्रकार के दस्तावेज में लैंग्वेज कैसी होती है? एम्बिगस होती है, संदिग्ध होती है, अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है, डिफेक्टिव होती है, क्लियर नहीं होती है, और इसका हम मीनिंग सही नहीं निकाल सकते, उसका सेंस क्या है वो नहीं निकाल सकते। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है, क्या इस त्रुटि को, इस गलती को दूर करने के लिए क्या बाहरी साक्ष्य दिया जा सकता है? आंसर है नहीं। कोई भी हम बाहरी साक्ष्य इस त्रुटि को दूर करने के लिए नहीं दे सकते हैं। चूंकि हम एविडेंस नहीं दे सकते इसलिए डॉक्यूमेंट इस प्रकार का यूजलेस हो जाता है। तो ये है सेक्शन 93। तो 93 में यही लिखा है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगस डॉक्यूमेंट। उन्होंने वही कहा कि यदि इस प्रकार की त्रुटि है तो इस प्रकार की त्रुटि को एक्सप्लेन करने के लिए या अमेंड करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दे सकते। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे
ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति कोई वस्तु या चीज बेचने का करार करता है और इसे कहता है कि मैं तुमको 1,000 रुपए में या 2,000 रुपए में संपत्ति बेचूंगा। तो यहां पर गलती है 1,000 या 2,000 पता ही नहीं पड़ रहा डॉक्यूमेंट से, या फिर वो कीमत ही नहीं लिखता है, ब्लैंक छोड़ देता है। तो यहां पर भी त्रुटि है, वो देखने से नजर आ जाएगी कि है कितनी कीमत यहां पर। तो इस प्रकार की त्रुटि कैसी हो जाएगी, आपकी पेटेंट एम्बिग्युटी है। दूसरी हम बात करते हैं लेटेंट एम्बिग्युटी। जो लेटेंट एम्बिग्युटी है वो सेक्शन 95 से लेकर 98 तक है, 1x1 पढ़ते हैं। पहले लेटेंट एम्बिग्युटी समझते हैं। लेटेंट एम्बिग्युटी ऐसी एम्बिग्युटी होती है जिसमें भाषा, दस्तावेज की भाषा क्लियर होती है, निश्चित होती है, सर्टेन होती है, परंतु जब उस भाषा को जब हम विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में लागू कराने जाते हैं तो त्रुटि सामने आ जाती है, अर्थात सही से ही लागू नहीं होती है वो। तो वही है, उसकी भाषा क्लियर है, सर्टेन है, परंतु एम्बिग्युटी तब आ जाती है, संदिग्धता या गलती या त्रुटि तब आ जाती है जब उस भाषा को लागू कराया जाता है। तो इस प्रकार की एम्बिग्युटी दस्तावेज को देखने से ही समझ में नहीं आती है, यानी कि जैसे ही आपने दस्तावेज देखा त्रुटि समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल आपको दस्तावेज वो सही लगेगा, भाषा सही लगेगी, परंतु अप्लाई करने पर वो त्रुटि समझ में आ जाएगी, दिखने लगेगी। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या बाहरी साक्ष्य दे सकते हैं? तो आंसर है यस, बिल्कुल साक्ष्य दे सकते हैं। चूंकि साक्ष्य दे सकते हैं, अब प्रश्न दूसरा उठता है, क्या इस प्रकार की त्रुटि वाला दस्तावेज का बेकार हो गया? बेकार नहीं हुआ, क्योंकि हमने एविडेंस दे दिया बाहरी जिससे कि वो त्रुटि सही हो गई, इसलिए डॉक्यूमेंट यहां पर वेस्ट या यूजलेस नहीं होता। सेक्शन समझते हैं 1x1। तो सेक्शन 95 ये कह रहा है, एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, यानी कि कोई दस्तावेज या भाषा ऐसी है कि विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अनमीनिंग है, सेंस नहीं निकल रहा है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि ए सेल्स टू अ हाउस इन कलकत्ता, ए सेल्स टू अ बी, यानी कि ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को कलकत्ता वाला घर बेचने का करार करता है, और फैक्ट ये है कि बट ही हैज नो हाउस एट कलकत्ता, परंतु उसके पास कलकत्ते में कोई घर ही नहीं है, परंतु उसके पास हावड़ा में घर है। तो यहां पर इस बात का साक्ष्य दे सकते हैं कि यहां पर हमारा मतलब कलकत्ते वाला घर नहीं था, हावड़ा वाला घर था। तो ये था सेक्शन 95। 96 ये कह रहा है, व्हेन द लैंग्वेज कैन अप्लाई टू वन ओनली, यानी कि लैंग्वेज इस प्रकार की है केवल एक पर अप्लाई हो सकती है, कितनों में से, यानी कि बहुत सारे में से, यानी कि कुछ चीज ऐसी है बहुत सारी है परंतु लैंग्वेज केवल एक पर लागू होगी, तो किसके संदर्भ में कहना चाह रहे हैं आप? तो इस चीज को क्लियर करने के लिए आप बाहरी साक्ष्य दे सकते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे, जैसे ए एग्री टू सेल बी व्हाइट हाउस, ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को एक सफेद घोड़ा बेचने का करार करता है। अब ये चीज कि मेरे पास, यानी कि ए के पास दो सफेद घोड़े हैं, तो मैंने उसको कौन से वाला घोड़ा बेचने का करार किया है? तो इस बालक साक्ष्य दे सकते हैं कि ये वाला सफेद घोड़ा नहीं था, ये वाला सफेद घोड़ा था। तो यहां पर क्या है, यहां पर है लैंग्वेज ऐसी है कि डिफरेंट, यानी कि बहुत सारी वस्तुओं में से किस चीज पर लागू हो रही है उसके लिए साक्ष्य दे सकते हैं। 97 ये कह रहा है, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि लैंग्वेज इस प्रकार की है जहां पर दस्तावेज में जो भाषा लिखी है वह इस प्रकार की है कि वो भाषा कुछ तथ्य पर लागू हो रही है और कुछ भाषा उसकी दूसरे तथ्यों पर लागू हो रही है, पूरी की पूरी एक तथ्य पर लागू नहीं हो रही है, ना तो इस पर लागू हो रही ना इस पर लागू हो रही। अब प्रश्न ये उठता है, यहां पर किससे मतलब है, क्योंकि आधा तो यहां पर लागू हो रहा है, आधा यहां पर लागू हो रहा है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए एविडेंस दे सकते हैं, यानी कि अंशतः है एक पर, अंशतः है दूसरे पर। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे ए एग्री टू सेल टू बी अ प्रॉपर्टी, यानी कि ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है। मैं अपने एग्जाम्पल से समझाता हूं, सपोज करो मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेचने का करार किया, कौन सी है, अ लैंड एट एक्स, यानी कि उस प्रॉपर्टी का नाम है एक्स, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है एक्स।
इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, और वो किसके कब्जे में है, वाई नाम के व्यक्ति के कब्जे में है। तो मैंने कहा कि मैं बी नाम के व्यक्ति को एक्स नाम की प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूं और वो प्रॉपर्टी वाई के कब्जे में है, परंतु जब हमने देखा कि मेरे पास प्रॉपर्टी तो है, यही लिखा है ए हेड एट एक्स, यानी कि ए के पास एक्स नाम की प्रॉपर्टी तो है परंतु वाई के कब्जे में नहीं है, वो जेड के कब्जे में है, और जो प्रॉपर्टी उसकी बात कर रहे हैं जो वाई के कब्जे में है वो एक्स नहीं है, वो भी दूसरी प्रॉपर्टी है। यानी कि एक चीज कि जो एक्स नाम की प्रॉपर्टी है आधे फैक्ट तो यहां लागू हो रहे हैं, और दूसरी चीज कि वाई के कब्जे में वो कुछ तत्व वहां पर लागू हो रहे हैं, पूर्ण रूप से सारे के सारे तथ्य एक पर लागू नहीं हो रहे। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए एविडेंस हम दे सकते हैं। सेक्शन 98 ये कह रहा है एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल और इलिजिबल करेक्टर एटसेट्रा, यानी कि दस्तावेज में भाषा कुछ इस प्रकार की लिखी हुई है जो उसका सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है कि संदर्भ में है, हो सकता है कुछ विदेशी वर्ड हो सकता है कुछ लोकल टर्म हो, तो उस चीज को क्लियर करने के लिए हम एविडेंस दे सकते हैं भारी। जैसे एग्जाम्पल है कि मैंने अपनी सारी प्रतिमाएं बेचने का करार किया, तो प्रतिमाएं का मतलब क्या है, तो इस चीज को दूर करने के लिए, इस चीज को क्लियर करने के लिए भारी साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये हमने लेटेंट एम्बिग्युटी और पेटेंट एम्बिग्युटी समझ ली। अब नेक्स्ट है आपका नॉन एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट, यानी कि ऐसा दस्तावेज जो बिना किसी संदिग्धता का है, तो सेक्शन 94 है। तो यहां पर जो आपके कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, नंबर वन लैंग्वेज कैसी है, प्लेन है, क्लियर है, सर्टेन है। दूसरी चीज क्या विद्यमान तथ्यों पर लागू होती है, सही सही, हाँ ये वाली भाषा दस्तावेज वाली भाषा विद्यमान तथ्यों पर सही सही लागू भी होती है। अब प्रश्न ये उठता है क्या यहां पर कोई व्यक्ति जो उसने भाषा लिखी थी उसी के संदर्भ में एविडेंस दे सकता है कि मेरा मतलब ये नहीं था कुछ और था। आंसर है नो, यहां पर हम एविडेंस नहीं दे सकते। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे कि ए सेल्स रामपुर हाउस टू बी, यानी कि ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को एक रामपुर वाला घर बेचने का करार करता है। भाषा स्पष्ट है, अप्लाई भी सही हो रही, यानी कि उसका एक घर भी था रामपुर में था। अब वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा मतलब रामपुर वाला घर नहीं था, मेरा वाला तो श्यामपुर वाला घर का मतलब था। क्या यहां पर ऐसा एविडेंस दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि उसका घर भी वही है, मिस्टेक भी नहीं है और सही सही लागू भी हो रही है। तो इस प्रकार से हमने दस्तावेज की संदिग्धता को, त्रुटि को, गलती को समझा और ये भी समझा कि किन मामलों में साक्ष्य दे सकते हैं और किन मामलों में उस दस्तावेज के संदर्भ में साक्ष्य नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम आगे पढ़ें। थैंक यू।